हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आपका देखे मेरा फेस ना देखे तो चलेगा, ठीक है। ये हमारे इसकी नॉन टीचिंग का एग्जाम जो होने वाला है 2023 में, जो कि आपके कब से 16 दिसंबर से स्टार्ट है, उसके लिए जैसे लेबर अटेंडेंट, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन सभी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर हमने कराना स्टार्ट कर दिए कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या पैटर्न रहा था, किस किस मतलब टॉपिक में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारा आपको करा रहा हूँ। और जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने जो टॉपिक लिए थे वो इन्हीं पेपर में से उठा के आपके लिए ढूंढ के मेहनत से निकाले थे कि क्या क्या लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। और दोस्तों, जो हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं, ये जो आपके जो है ये CBSE के द्वारा कंडक्ट कराए गए थे। और अभी जो आपका EMRS का जो ऐप का एग्जाम होने वाला है, जो आपका EMRS का जो ऐप का एग्जाम होगा, इसको कौन लेने वाला है, तो इसको भी CBSE ले। तो दोस्तों, अभी आपका जो EMRS का एग्जाम होने वाला है, इसे कौन लेगी, इसे भी आपकी CBSE जो संस्था है वो आपका लेने वाली है। और जो आपका KVS का एग्जाम हुआ था वो भी किस लिए था, वो भी CBSE के द्वारा लिया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका पैटर्न रहेगा पेपर की तरह, वो CBSE के थ्रू KVS का जो अभी एग्जाम हुआ है, इसके जो एग्जाम हुए थे दोस्तों KVS के, वो इससे पहले हुए थे 2018 और 19 में, और अभी लेटेस्ट हुए 2023 में मार्च के महीने में। और मैं लेटेस्ट वाले सबसे पहले आपको लेटेस्ट वाले पेपर करा दूंगा, फिर ये वाले करा दूंगा। और NBS के जो पेपर लिए थे, ये लिए थे आपके TCS में, और ये एक ऐसी संस्था है जिसका जो पेपर होता है बहुत ही प्रमाणित होता है, मतलब इसके जो पेपर लिए जाते हैं बहुत शानदार तरीके से लिए जाते हैं, और इसी का कहीं ना कहीं मिक्सर मतलब इसका जो लेवल है इससे कम रहता है। यानी NBS के पेपर आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, अच्छे लेवल आता है इनका, इनमें तो हवा भी नहीं लगती भाई, TCS के जो पेपर बनाता है। तो अब हम ये भी करेंगे, क्योंकि ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि, क्योंकि पेपर एक ही है KVS जैसे, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट डिफरेंट ये कि इसमें मान के चलिए इसमें अगर 80% जो हार्डनेस रहती है, तो इसमें 100% हार्डनेस रहती है, इतना रहता है, बाकी सिलेबस वही है, डिट्टो सब कुछ, आपका सब कुछ वही आती चाहिए। तो हम इसके भी करेंगे और इसके भी करेंगे। अभी इसका मैं GK का सेशन लेके आने वाला हूँ, इसका जो NBS का अभी 2019 में पेपर हुआ था जिसमें मैं सेलेक्टेड था, ठीक है, 2019 का इसका पेपर हुआ था जिसमें मैं सेलेक्टेड था एज अ JSA, ठीक है। इसके टोटल 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो तीनों शिफ्ट का जो GK है, तीनों शिफ्ट में जो GK पूछी गई थी, किस किस टॉपिक से पूछी गई थी, सारा तीनों के 75 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। और साथ ही साथ इसके अलावा कंप्यूटर के भी, कंप्यूटर जो GK है उसके भी तीनों शिफ्ट की एक ही वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो GK वाला तो आज मिल जाएगा, कंप्यूटर वाला आपको कल मैं लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। GK वाला आपको आज की डेट में आपको मिल जाएगा, और कंप्यूटर का जो चौथा पार्ट है वो मिल जाएगा। अब जिनको नहीं पता कंप्यूटर की क्लासेस कहाँ चल रही है, तो दोस्तों कंप्यूटर की, मैथ्स की, हिंदी की क्लासेस लाइव है, जाइए देखिए कहाँ पर होता है। एग्जाम हेल्पर का जो GK, हमारा GK वाला चैनल है, GK ऐड कर देना उसमें, तो वहां पर आपको ये क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, जाइए देखिए, बहुत शानदार क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। GK की भी मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो डेली अब आपको मिलने लगी। और जो हम प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं वो आपको शिफ्ट वाइज करा दूंगा मैं, ठीक है। अभी हमारा कल मैंने कराया था आपको हिंदी का, कल मैंने कौन सा हिंदी का पेपर कराया था, आज आपको मैथ्स का भी पेपर मिल जाएगा, ठीक है। मैथ्स का पेपर मिल जाएगा जो आपका 1 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था अभी 2023 का, हिंदी का। और काफ़ी लोग उसमें बोल रहे थे कि सर जो आंसर आप बता रहे हैं, वो जो नीचे उसके आंसर लिखा था ब्लू कलर से, वो अलग अलग डिफरेंस हो रहा है। तो भाई वो आंसर की थी, किसी बच्चे ने पेपर दिया था, उसने एक नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर टिक किया वो उसका आंसर था, बट KVS की अलग से आंसर की आई थी जिसमें उसका ऑफिशियल आंसर दिया गया था, वो आंसर अलग था। तो मैंने आपको जो आंसर बताया वो KVS की आंसर की के अकॉर्डिंग बताया, ये जो आप नीचे देखते हैं आंसर वो बच्चे के द्वारा टिक किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, TCS जो देती है वो ऐसे देती है, रेड और रेड कलर से और ग्रीन कलर से आंसर देती है, बट KVS में क्या है, पहले आपकी क्वेश्चन पेपर जारी करता है, फिर अलग से एक आंसर की 1 2 3 करके जारी करता है, उसके आगे क्वेश्चन नंबर लिखाता है, तो इस तरीके से था वो, ठीक है। तो आई होप आपको वो डाउट क्लियर होगा। अभी आज हमने मैथ्स की, हिंदी की, और आज मैं GK की भी स्टार्ट कर दूंगा, ऐसे ऐसे मैं आपको कंप्यूटर की, इंग्लिश की और रीजनिंग की भी करवा दूंगा, ठीक है। फुल पेपर अगर मैं हो सकेगा तो फुल पेपर आपको जो मिलेगा, अभी मैं शिफ्ट वाइज करा रहा हूँ, है ना, मतलब टॉपिक वाइज, और फुल पेपर जो रहेगा आपको सैटरडे और संडे में मैं करा दूंगा, एक एक पेपर, जैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से हमको एग्जाम में देना है, वो भी आपको पूरे तरीके बता दूंगा, ठीक है। और मैथ्स जो आपको पढ़ाते हैं वो नीचे सेट लाते हैं, जो कि SSA है, JSA डबल, JSA लेवल 2, SSA लेवल 4, तो आपका प्रमोशन हुआ तो ISS बनेंगे, तो इनकी मैथ्स की क्लास चल रही है, कहाँ पर, एग्जाम पर, GK पर, नहीं देखिए जाके देख लीजिए। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर पेपर हम सीरीज लेके आने वाले हैं, दो, एक वीडियो आ चुका है, दो वीडियो आपको आज मिल जाएंगे, ठीक है। डेली आपको दो तीन वीडियो देना। अभी मैं जस्ट ऑफिस से आऊँ, भाई बैग वहाँ रखा, सीधे आपके वीडियो बनाने लग गया, क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम पास में, भाई खाना भी मतलब बहुत लेट खाते हैं हम लोग, क्योंकि आपके लिए दिन भर ऑफिस में भी मेहनत करते हैं, यहाँ पे भी मेहनत करते हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। मतलब सुबह उठते से आपके लिए बारे में सोचना कि ये पढ़ाना है बच्चों को, ये पढ़ाना, ये करना, तो ढेर सारी चीज़ें लगी रहती हैं, है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अपडेट्स के लिए, और ये PDF के लिए GK वाला, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो यार, दबा के क्या कर रहे हो ना।
कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।